माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 पर विचार किए जाने का मैं प्रस्ताव करता हूं। इसी के साथ ही माननीय सभापति महोदय, मैं अपने कुछ विचार भी इस संबंध में व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार लगातार नए नए रिफॉर्म्स के माध्यम से राष्ट्र को सशक्त बनाने की कोशिश कर रही है और सारा देश जानता है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में नई नई पहलें की हैं। पुराने अनेक कानूनों को जहां हमने समाप्त किया है, वहीं पर जहां जरूरत पड़ी है पुराने जो नियम और कानून रहे हैं उन नियम और कानूनों में हमने संशोधन भी किया है। लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। सभापति महोदय, यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सके। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में अनुशासन को मजबूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, यह सर्वविदित है, अनुशासन यह सेना की आत्मा होती है। यह उनके चरित्र और संकल्प को भी मजबूत करता है। यह आत्मविश्वास को बढ़ावा देने के साथ साथ एक यूनिट या इस्टेब्लिशमेंट के सैनिकों को एकजुट करने में भी मदद करता है। सभापति महोदय, इसलिए कभी किसी परिस्थिति में अनुशासनहीनता का कोई मामला सामने आता है तो उसके बारे में निर्णय जल्द से जल्द या आवश्यक हो जाता है। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 किसी इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए त्वरित कार्रवाई किए जाने का एक प्राविधान करता है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में भारतीय सेना, नौसेना और हमारी वायुसेना के पर्सनल अपने रेस्पेक्टिव एक्ट अर्थात आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट 1957 तथा एयरफोर्स एक्ट 1950 और उसके तहत बनाए गए रूल्स एंड रेगुलेशंस के अनुसार गवर्न होते हैं। सभापति महोदय, जिस समय ये कानून बने थे उस समय अधिकांश सर्विस ऑर्गेनाइजेशन में पर्सनल सेना के एक ही अंग से होते थे। तदनुसार इन एक्ट में निहित प्रोविजन को एक स्पेसिफिक सर्विस के यूनिक वर्किंग एनवायरमेंट को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था। परिणाम स्वरूप इन एक्ट के तहत कमांडर इन चीफ या ऑफिसर इन कमांड अपनी डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग अपनी ही सर्विस के पर्सनल पर कर सकते हैं। उन्हें दूसरी सर्विसेज से संबंधित पर्सनल जो उनके संगठन में कार्य कर रहे हैं पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है। सभापति महोदय, इन प्रोविजंस के कारण एक विशेष स्थिति तब उत्पन्न होती है जब विभिन्न सर्विसेज के पर्सनल किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व होते हैं और उन पर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के लिए इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में कार्यरत पर्सनल को उनके पेरेंट सर्विस यूनिट्स में वापस भेजने की आवश्यकता पड़ जाती है। इसमें न केवल अधिक समय लगता है बल्कि पर्सनल की आवाजाही के कारण धन भी व्यय होता है और उनको न्याय मिलने में भी स्वाभाविक रूप से देर होती है। इसके अलावा सभापति महोदय, एक ही ऑफेंस के लिए अलग अलग जगहों की एडुकेटिंग अथॉरिटीज के अलग अलग निर्णय के कारण स्वाभाविक रूप से विसंगतियां भी पैदा होती हैं। इसलिए सभी इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों के लिए उनके ऑर्गेनाइजेशंस में डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए और उनके कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए एक इनेबलिंग एक्ट बनाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तदनुसार आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से इनपुट्स लेकर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के परामर्श से इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 को ड्राफ्ट करने के लिए एक कमेटी गठित की थी हम लोगों ने। संयुक्त रूप से या एकजुट होकर कार्य करने के लिए इंटीग्रेशन की यह आवश्यकता स्वाभाविक रूप से पड़ती ही पड़ती है और ज्वाइंटनेस को प्रमोट करने के लिए जो भावना होनी चाहिए, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं वह भावना इस बिल में निहित है।
या इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस के प्रमुखों को बेहतर डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो मिलना चाहिए वह यह प्रदान करता है, जिससे वे अपने ऑर्गेनाइजेशंस में प्रभावी कमांड कंट्रोल व डिसिप्लिन बना सकेंगे और हमारे सुरक्षा ढांचे को और भी अधिक मजबूत कर सकेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं, सैन्य सुधारों की दिशा में यह बिल एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और इस बिल में कोई अतिरिक्त वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यह भी इस सदन को मैं सूचित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से इस इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 विधेयक पर विचार करने का मैं प्रस्ताव करता हूं।